क्या कूली नंबर वन की रिलीज डेट को सारा अली खान की वजह से करना पड़ा पुश? क्या दिवाली की जगह क्रिसमस पर कूली नंबर वन को रिलीज करने के पीछे सारा अली खान है एक बड़ी वजह? जहां वरुण धवन और सारा अली खान की फिल्म कूली नंबर वन इस साल क्रिसमस पर एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है, वहीं कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है दैट करंट नेगेटिव सेंटिमेंट अराउंड सारा अली खान ओइंग टू द एंटायर बैंड सब्सटेंस कंट्रोवर्सी मेड द मेकर्स रीथिंक एंड रीस्ट्रेटजाइज ऑन देयर रिलीज प्लान। आपको बता दें कि पहले ये फिल्म दिवाली पर रिलीज होने वाली थी। रिपोर्टेडली द मेकर्स ऑफ कूली नंबर वन डिडंट वांट देयर फिल्म टू फेस नेगेटिव पीआर ओइंग टू सारा अली खान, और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि अपनी फिल्म को बजाय दिवाली पर रिलीज करने के वो इस मैटर के सेटल डाउन होने का इंतजार करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस के बाद शोबिज इंडस्ट्री से ऑडियंस खासा नाराज दिख रही है, और साफ है कि इससे हर फिल्म मेकर फिलहाल डरा हुआ है। और अब जब सारा अली खान का नाम इस केस में सामने आया है, तो रिपोर्टेडली मेकर्स चाहते हैं कि इसका असर उनकी फिल्म पर ना पड़े। इस सब के बीच जब मंडे को सारा अली खान को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, तो अक्सर पैप्स को ग्रीट करने वाली सारा अली खान इस दौरान काफी प्लेन रिएक्शंस के साथ नजर आईं। आफ्टर हर एनसीबी इंटरोगेशन ये पहली बार था जब सारा अली खान को पैप्स ने स्पॉट किया, और रिपोर्टेडली सारा अली खान चेन्नई से अतरंगी रे के शूट से लौटी थी। इससे पहले जहां पिछले दिनों रिलीज हुई फिल्मों को ऑडियंस ने बॉयकॉट करने से लेकर मोस्ट डिसलाइक्ड फिल्म और मोस्ट डिसलाइक्ड ट्रेलर का टैग दिलवाया है, वहीं इस नेगेटिव रिस्पांस को देखते हुए हाल ही में अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के मेकर्स ने अपनी फिल्म के ट्रेलर के लाइक डिसलाइक पोर्शन पर दिखने वाले नंबर्स के ऑप्शन को हाइड करने का डिसीजन लिया। यानी इस ट्रेलर को कितने व्यूज मिले हैं ये तो ऑडियंस देख सकती है, पर कितने लाइक और कितने डिसलाइक्स आए हैं ये फिलहाल एक राज है। बात करें कूली नंबर वन की, तो ये एक फन कलरफुल एंड टिपिकल डेविड धवन फिल्म है, जिसमें वरुण धवन ना सिर्फ गोविंदा के एक आइकॉनिक सॉन्ग के रिक्रिएटेड वर्जन में नजर आएंगे, बल्कि एक ट्रैक में मिथुन चक्रवर्ती को भी मिमिक करते दिखेंगे। ऐसे में दिवाली हो या फिर क्रिसमस, फैंस के लिए वरुण धवन को इस फिल्म में देखना होगा एक एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस।